हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैचलर्स ऑफ बॉटनी। अगर आप बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बॉटनी से रिलेटेड सारी वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फंजाई किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, कौन कौन से मेथड से, जिसमें वेजिटेटिव में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगैमी क्या क्या होती है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें राइजोपस, न्यूकर, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फंगस होता है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और जो जितने भी फ्रैगमेंट बनते हैं वो इंडिपेंडेंट फंगस की तरह बिहेव करते हैं, और उनकी फिर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन आप समझ ही गए होंगे। फिर फिजन, ये ईस्ट में होता है। देन बडिंग, ये भी ईस्ट और अस्टिलागो में होता है। ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि बडिंग किस तरीके से होती है। एक पेरेंट फंगस का सेल है, इसमें से कंस्ट्रक्शन होएगा और बड बनेगा, डॉटर बड्स होंगे, और ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। फिर इसमें फिर से बडिंग होएगी, दो बनेंगे, फिर वो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड से होता है। ठीक है, अबाउट 20% फंजाई प्रोपगेट ओनली बाई एसेक्सुअल। तो 20% फंजाई जो है वो एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कोनीडिया और स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जब मौसम एकदम फेवरेबल रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फटाफट वहाँ पे, और वैरायटी ऑफ कोनीडिया और स्पोर्स बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो इनके स्पोर्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल एस्परजिलस और पेनिसिलियम, इसमें यूनिसेलुलर स्पोर्स बनते हैं, या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा। दे आर इंडोजेनस व्हेन डेवलप्ड इन मीडिया और स्पिरेंजिया। ये इंडोजेनस मतलब किसी चीज़ के अंदर, इंडो मतलब अंदर होता है। ठीक है, तो अगर स्पिरेंजिया के अंदर या फिर पिकनीडिया के अंदर बनते हैं तो वो एंडोजेनस कहलाते हैं। इसका एग्जांपल म्यूकस और राइजोपस है। ये एक्सोजेनस भी हो सकता है, जब स्पोरोफोर्स या फिर कोनिडियोफोर्स पे स्पोर्स बनेंगे तब उसे एक्सोजेनस कहेंगे, मतलब बाहर बन रहे हैं। इसका एग्जांपल एस्परजिलस और पेनिसिलियम है। ये हमने एंडोजेनस का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं और बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं आपके यहाँ पर स्टेरिग्मा के ऊपर। ये बेसिडियम है, इसके ऊपर स्टेरिग्मा है, और एक्सोजेनसली ये बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। अब कुछ कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स को देख लेते हैं। तो जू स्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओडिया और ए प्लेनोस्पोर्स, ये हमारे पास होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसमें जू स्पोर्स, पाइथियम, फाइटोप्थोरा, एकाइला स्पीसीज में मिलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर अस्टिलागो में मिलता है, ओडिया, कुलीबिया और कॉपरिनस में मिलता है, ए प्लानोस्पोर्स, म्यूकस, राइजोपस और पाइलोपोलस में मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे फिगर से दिखाया गया है। जू स्पोर्स किस तरीके से होते हैं, मोटाइल होते हैं, फिर फ्लैजेला होता है, टिंसल और विप्लैश टाइप का। फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स में आपके ये स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये एंडोजेनस स्पोर्स हैं। ठीक है, ये आपके क्लेमाइडो स्पोर्स दिखाए गए हैं। ओडिया देखिए, ये ऊपर इस तरीके से बनता जाता है चेन में। ठीक है, देन कोनीडिया है, ये भी चेन में कोनीडियोफोर के ऊपर कोनीडिया लगता है। एस्कोस्पोर्स है, ये भी एंडोजेनस का एग्जांपल है। बेसिडियोस्पोर्स, ये एक्सोजेनस का एग्जांपल है। ये एसिडियोस्पोर्स है, और ये यूरिडोस्पोर है, और ये टेल्यूटोस्पोर है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास ड्यूट्रोमाइसीट्स को छोड़ के सारे क्लासेस में होता है। ठीक है, सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन ऑल ग्रुप एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसीट्स। इसमें दो मेथड्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी और कैम्बियोगैमी।
इन द फर्स्ट स्टेप फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और टू कंपैटिबल गैमीट्स और सेक्स सेल्स टेक्स प्लेस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या क्या हो रहा है, या तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, या तो कंपैटिबल गैमीट्स फ्यूज करेंगे, या फिर सेक्स सेल्स फ्यूज करेंगे। एंड टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई कम क्लोज टू ईच अदर। फ्यूज करने के बाद जो दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई हैं वो क्लोज आते हैं। देन दूसरे में क्या होता है, कैरियोगैमी होती है। इन द सेकेंड स्टेप फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई फ्रॉम द टू फ्यूजिंग गैमीट्स टेक्स प्लेस एंड अ डिप्लॉयड जायगोट न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो न्यूक्लियाई जो क्लोज आए थे वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जायगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। इन फाइकोमायोसाइट्स कैरियोगैमी अकर जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी फाइकोमायोसाइट्स में हो जाता है, लेकिन एस्कोमायोसाइट्स और बेसिडियोमायोसाइट्स में क्या है कि कैरियोगैमी डिलेड है। ठीक है, डिलेड होने की वजह से यहाँ पर डाइकैरियोटिक, मतलब दो दो आपके न्यूक्लियस वाला दो न्यूक्लियस वाला फेज आ जाता है, इसलिए इसको डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। दिस फेज इन लाइफ साइकिल इज नोन एज डाइकैरियोफेज एंड द प्रोसेस बाय व्हिच दिस स्टेज इज अकम्प्लिश्ड इज कॉल्ड डाइकैरियोटाइजेशन। तो अगर लाइफ साइकिल में ऐसा फेज है जहाँ पे कैरियोगैमी डिलेड हो रही है, मतलब कैरियोगैमी नहीं हो रही है, दो न्यूक्लियस वाला स्टेज बना हुआ है, तो उसे डाइकैरियोफेज कहेंगे। और इस प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये हो रहा है उसको डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। द टू न्यूक्लियाई ऑफ डाइकैरियन फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जो दो न्यूक्लिये हैं डाइकैरियन के वो फ्यूज करके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके बाद इसमें मियोसिस होती है। आफ्टर कैरियोगैमी रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड हैप्लॉयड स्टेज इज रीएस्टैब्लिश। तो मियोसिस से हैप्लॉयड स्टेज रीएस्टैब्लिश हो जाती है। द कंपैटिबल न्यूक्लियाई आर ब्रॉट टुगेदर बाई फॉलोइंग सेक्शुअल प्रोसेस। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये किस मेथड से पास में आते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो है वो है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू नेकेड मोटाइल गैमी, प्लैनोगैमी मोटाइल नेकेड मोटाइल गैमीट्स को प्लैनोगैमीट्स कहते हैं। द प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट। गैमीट्स किस तरीके के हैं उनके बेसिस पे ये प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन तीन तरीके का हो जाता है, आइसोगैमी एनआइसोगैमी एंड ओओगैमी। द फ्यूजिंग गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स। तो जो गैमीट्स यूज कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, मतलब स्ट्रक्चर उनका देख के आप कहोगे कि बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी से आप ये समझ सकते हो मूवमेंट या कुछ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं वो दोनों का डिफरेंट है और वो डिफरेंट हाइपा पे बने हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे जिस जीनस में ये होते हैं सिनकाइट्रियम और कैटेनेरिया। फिर एनाइसोगैमी में आ जाते हैं, द फ्यूजिंग गैमीट्स आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। ये देखने में भी डिफरेंट होंगे और इनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होगी। जो मेल है वो स्मॉलर रहता है और मोर एक्टिव रहता है देन फीमेल। फीमेल गैमीट से ज़्यादा छोटा और ज़्यादा एक्टिव रहता है। एग्जाम्पल जिस जीनस में हो रहा है वो है एलोमाइसिस। फिर ओओगैमी में द फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट जो एंथेरोजॉइड है ये मोटाइल है। दे आर फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड गैमेटेंजिया नोन एज ओओगोनियम। ओओगोनियम में आपका फीमेल गैमेट बनता है एंड एंथेरिडियम में आपका एंथेरोजॉइड बनता है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि आइसोगैमी एनआइसोगैमी और ओओगैमी कैसे होती है। फिर आ जाते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पर। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि गैमेटेंजिया है जिसमें गैमेट बन रहा है उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है। हियर गैमीट्स आर नेवर रिलीज फ्रॉम द गैमेटेंजिया। इसमें क्या है कि गैमेटेंजिया से गैमीट्स रिलीज ही नहीं हो रहे। इंस्टेड द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया कम क्लोज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जो गैमेटेंजिया है ये एंथेरिडियम और ओओगोनियम ये क्लोज आता है और इसमें फिर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। देन वन और मोर मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट टू फॉर्म माइग्रेट टू द फीमेल गैमेटेंजिया। इसमें से एक या एक से ज्यादा जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो निकलकर फीमेल गैमेटेंजियम में जाते हैं। द गैमेटेंजिया नेवर फ्यूज और लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। जो गैमेटेंजिया है वो या तो ना तो फ्यूज करता है ना ही अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। इसी तरीके से ये गैमेटेंजिया बने रहते हैं।
द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर नोन एज एंथेरिडियम और ओगोनियम, और एस्कोगोनियम कहा जाता है एस्कोमाइसीट्स के केस में। इसके एग्जांपल्स जो जीनस है वो है एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम, फाइटोप्थोरा, इनमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। थर्ड जो मेथड है वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें गैमेटेंजिया कॉपुलेट मतलब फ्यूज कर रही होगी। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ टू कंपैटिबल गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया कम इन कॉन्टैक्ट, देयर वॉल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिजॉल्व एंड देयर कॉन्टेंट्स मिक्स। तो वो क्या आता है कि जो आपके गैमेटेंजिया है वो पास आते हैं, फिर इनके बीच की जो वॉल है वो डिजोल्व करके इनके कंटेंट्स मिक्स कर जाते हैं, रिजल्टिंग इन कैरियोगैमी। ठीक है, अल्टीमेट द टू गैमेटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज रिजल्टिंग इन कैरियोगैमी। तो गैमेटेंजिया फ्यूज करेंगे और अल्टीमेटली कैरियोगैमी स्टेज आ जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगा, और कैरियोगैमी के बाद यंग जाइगोट बनेगा और फिर ये जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलेंगे। देन चौथा है स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, इन सम एडवांस जेनरा एग्जाम्पल पक्सीनिया, इसमें सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो माइन्यूट प्रोसेस इज स्पोर लाइक स्पर्मेशिया मेल गैमीट्स एंड स्पेशलाइज रिसेप्टिव हाइफा फीमेल गैमीट्स से होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिया जो होता है वो मेल गैमीट्स होता है और एक स्पेशलाइज रिसेप्टिव हाइफा होता है फीमेल गैमीट, वहाँ पे रिसीव करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि द स्पर्मेशिया आर कैरीड बाय एयर वाटर और इंसेक्ट टू द रिसेप्टिव हाइफा एंड द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटियम इंटर द रिसेप्टिव हाइफा थ्रू अ पोर। तो इस तरीके से ये आपका स्पर्मेटिया होता है जिसमें इस तरीके टूट टूट के स्पर्मेटिया निकलता है और एक रिसेप्टिव हाइफा होता है जहाँ पे ये जाके लगता है, फिर एक पोर के थ्रू ये एंटर कर यहाँ पर ये देखिए कैरियोगैमी होएगी और ये फिर अपना जाइगोट बनेगा। ठीक है, देन आता है सोमेटोगैमी। हियर द सेक्स ऑर्गन आर नॉट एट ऑल फॉर्म, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बनते ही नहीं है, बट टू वेजिटेटिव सेल्स और टू वेजिटेटिव हाइफा टेक ओवर द सेक्सुअल फंक्शन। इसीलिए सोमेटो सोमा मतलब बॉडी होती है। ठीक है, तो बॉडी का फ्यूजन हो रहा है यानी हाइफा ही फ्यूज करके अपना सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है। इसके एग्जांपल्स इस जीनस में होता है मॉर्चेला, पेजाइजा, एगेरिकस एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सोमेटोगैमी। देयर आर फाइव बेसिक टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन फंजाई, एसेक्सुअल, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड डाइकैरियोटिक, हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। तो ये पांच तरीके की लाइफ साइकिल चलती है जिसमें ए सेक्सुअल, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड डाइकैरियोटिक, हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड होता है। ठीक है, यहाँ पे सोमेटोगैमी दिखाया गया है, ये दो आपके हाइफा हैं, ये क्लोज आते हैं और फिर इस तरीके से इनमें फ्यूजन हो जाता है और एक मिक्सिंग हो जाती है अपने दोनों सेल कंटेंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, टेक केयर, पीस।